आम इंतखाबात में मजमुई तौर पर 312 खवातीन कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ रही हैं। सबसे ज्यादा 22 खवातीन उम्मीदवार पीटीआई की हिमायत से मैदान में मौजूद हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून ने 15 और पीपल्स पार्टी ने 10 खवातीन को कौमी असम्बली के टिकट दिए हैं। आम इंतखाबात 2024 के लिए भी सियासी जमातों ने अपने बेटे बेटियों भाइयों भतीजों और रिश्तेदारों को ही फोके दी, जबकि आम कारकुन मुंह ही देखता रह गया। पाकिस्तान में मुरूसी सियासत का खात्मा ख्वाब बन गया। तमाम सियासी जमातों ने कारकुनों की बजाय अपने ही करीबी रिश्तेदारों को टिकटों से नवाजा है। मुरूसी सियासत में तहरीक इंसाफ भी पीपल्स पार्टी नून लीग और JUI से पीछे नहीं। कहीं मियां बीवी बाप बेटे और बेटी को टिकट दिए गए तो कहीं भाइयों बहनों और करीबी रिश्तेदारों को उम्मीदवार नामजद किया गया। शाह महमूद कुरैशी की सियासत बेटे और बेटी तक महदूद है। मलिक आमिर डोगर और इनके भाई मलिक अदनान इलेक्शन लड़ रहे हैं। और गैर कानूनी तौर पर समुंदर के रास्ते बरतानिया आने वालों को रवांडा भेजने के हवाले से हुकूमत ने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। जब वज़ीर आज़म ऋषि सुनाक अपनी पार्टी के अराकीन की मुखालफत के बावजूद रवांडा को महफूज मुल्क करार देने का बिल पार्लियामेंट से मंजूर कराने में कामयाब हो गए।